guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope you all safe and doing great. So guys, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो आज मैं करने वाली हूँ कियारा एडवानी इंस्पायर्ड मेकअप लुक फ्रॉम दी मूवी शेरशाह. सो गाइज, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड ये मेरी फास्ट कोई इंस्पायर्ड मेकअप लुक होगी इस चैनल पे. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड वीडियो में जाने से पहले इनकेस इफ यू आर न्यू हियर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो गाइज, मैंने स्किन केयर कर लिया एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर. सो प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर. सो इसको मैं थोड़ा अमाउंट पर लेके ना फेस के ऊपर अप्लाई कर लूंगी. ओके सो मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन. सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज करूंगी लैक्मी की ये वाली फाउंडेशन. सो फर्स्ट मैं पूरी फेस के ऊपर इसको डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूंगी एंड उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं डैबिंग मोशन पर अच्छे से पूरी फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी. फाउंडेशन को ना आई लिड पर भी अप्लाई किया क्योंकि आज मैं कोई भी कंसीलर यूज नहीं करूंगी. एंड गाइस, अगर आपने ये वाली मूवी देखा है ना तो आप जरूर एक बात नोटिस किया है कि कियारा ने ना यह इस मूवी पे ना जो मेकअप लुक किया है ना बहुत ही ज्यादा नेचुरल थी उसकी मेकअप. सो इसलिए मैं आज कोई भी कंसीलर यूज नहीं करूंगी एंड ये वाली जो फाउंडेशन है ना आपको बहुत ही ज्यादा नेचुरल लुक प्रोवाइड करती है. सो गाइस, मैंने फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया एंड उसके बाद इसको सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी लूज पाउडर. सो मैं यूज करूंगी लैक्मी 925 नेचुरल फिनिशिंग पाउडर एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं सेट कर लूंगी पूरी बेस को एंड उसके बाद मैं करूंगी आईब्रोज को फिलिंग. सो फटाफट से मैं आईब्रोज को भी फिलिंग कर लेती हूँ. ओके सो मैंने आईब्रोज को भी फिल कर लिया एंड उसके बाद मैं करूंगी कॉन्टोर. सो बहुत ही लाइट कॉन्टोर करूंगी. उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी आई शेडो. सो आई शेडो के लिए मैं यूज करूंगी बस ये लाइट पिंक शेड, आप देख रहे हो ना, बस इसको मैं पूरी आई लिड पर अच्छे से ब्लेंड करूंगी. उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी काजल. सो मैं आज यूज करूंगी एनवाई बेक की खोल काजल, इसमें जो शेड है ब्लैक एंड फास्ट मैं इसको अपर वाटर लाइन पर अप्लाई करूंगी उसके बाद लोअर वाटर लाइन. उसके बाद मैं करूंगी आईलैशेस को कर्ल. उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा. मस्कारा अप्लाई कर लिया एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी थोड़ा सा ब्लशर. ओके सो उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर. सो सेम जो ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यूज किया था ना फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, उसकी मदद से ही मैं हाइलाइटर को अप्लाई करूंगी. सो इसकी मदद से ना हाइलाइटर अगर आप अप्लाई करते हो ना बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगती है एंड ये वाली जो मेकअप लुक है ना बहुत ही ज्यादा नेचुरल है. सो इसलिए मैं इसकी मदद से ही अप्लाई करूंगी. ओके सो उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक. सो लिपस्टिक के लिए उन्होंने पिंक कलर की शेड यूज किया था बहुत ही लाइट. सो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद मैं फिंगर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. मेकअप को सेट करने के लिए यूज करूंगी मेकअप फिक्सर. उन्होंने पिंक कलर एक बिंदी वेयर किया था. सो या गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक. आई होप गाइस आपने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया इस वीडियो को एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया एंड पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस मेकअप लुक. सो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना. एक लाइक से ना मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है. सो प्लीज एक लाइक जरूर करना एंड मुझे कॉमेंट डाउन करके ये भी बताना मैं इस मेकअप लुक को रिक्रिएट कर पाई या फिर नहीं. सो प्लीज कमेंट डाउन जरूर करना एंड अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल.